So today in class 9th we will study altimeter and barometer. Barometer is not in your syllabus, but altimeter is in your syllabus. So what is an altimeter? It is an instrument to measure height, altitude or elevation used in aircraft or helicopter. And it is of two types based on two principles: barometric altimeter and distance velocity travel time relation. So only you have to learn this part. An altimeter is used is an instrument to measure the height, altitude or elevation, and it is used in aircraft. Second is barometer and its uses. So what is barometer? You do not have to learn, only learn what is the application of barometer. So there are two applications. Number one, to measure the atmospheric pressure, and second, weather forecasting. Weather forecasting means ये बताना कि क्लाउडी डे रहेगा, स्टॉर्म आएगा, तूफान आएगा, या फिर तेज हवाएं चलेगी, खुला आसमान रहेगा. ये सब चीजें वेदर फोरकास्टिंग कहलाती है. सो इन वेदर फोरकास्टिंग, नंबर वन, हाई प्रेशर सिस्टम इन द एटमॉस्फेयर इट टिपिकली इंडिकेट क्लियर एंड वार्म सनी डे. मींस अगर बैरोमीटर में हाई प्रेशर शो कर रहा है तो इससे इंडिकेट होता है के आसमान क्लियर रहेगा और वार्म सनी डे, मतलब सूरज निकलेगा, तेज धूप रहेगी. सेकेंड, लो प्रेशर चेंज ऑन द अदर हैंड सिग्नल एंड अपकमिंग ऑनकमिंग स्टॉर्म. मतलब अगर लो प्रेशर बैरोमीटर शो कर रहा है तो तूफान आने की संभावना होती है. बट अगर लो प्रेशर सिस्टम्स गो हैंड इन हैंड विद थंडरस्टॉर्म्स एंड क्लाउड्स फुल ऑफ वाटर रेडी टू लेट द रेन बिगिन. मतलब अगर लो प्रेशर कंटिन्यूसली दिखता जाए, मतलब प्रेशर बैरोमीटर में जो दिख रहा है वो लगातार घटता जाए, तो इससे ही पता चलता है कि तेज तूफान आएगा, भयानक बारिश होगी. नेक्स्ट, नाउ इन योर पेपर दे मे आस्क द क्वेश्चन लाइक दिस, व्हाट डू द फॉलोइंग इंडिकेट इन द बैरोमीटर रिगार्डिंग वेदर. मतलब बैरोमीटर में पर्टिकुलर अगर चीजें दिखें तो इससे वेदर फोरकास्टिंग क्या होगी. नंबर वन, ग्रेजुअल फॉल इन द मरकरी लेवल. मतलब अगर बैरोमीटर में क्या भरा होता, मरकरी भरा होता. अगर मरकरी में ग्रेजुअल फॉल आए, हल्का सा उसमें फॉल दिखाई दे रहा है, तब क्या होगा. सेकेंड है, सडन फॉल अगर दिखाई दे मरकरी लेवल में तब क्या होगा. थर्ड इज ग्रेजुअल राइज, मतलब धीरे धीरे मरकरी का लेवल बैरोमीटर में राइज कर रहा हो तब क्या होगा. तो फॉर दीज थ्री कंडीशन, सो व्हाट आर द वेदर फोरकास्ट फॉर दीज कंडीशंस. तो नंबर वन, अगर जैसे बताया गया ग्रेजुअल फॉल आता है, ग्रेजुअल फॉल इन द मरकरी लेवल तब होगा. इट इंडिकेट्स दैट द मॉइस्चर इज इंक्रीजिंग. बैरोमीटर में लेवल तब डाउन करता है मरकरी का जब मॉइस्चर इंक्रीज करती है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन. अगर ग्रेजुअल फॉल है मर्करी लेवल में तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रेन. आप इतना भी लिख दोगे दैट इज एम्पल सफिशिएंट. सेकंड है, लिखा हुआ है सडन फॉल इन द मर्करी लेवल. अगर मर्करी लेवल में बैरोमीटर में सडन फॉल आ रहा है तब क्या होगा. तो सडन फॉल के लिए इट इंडिकेट्स द कमिंग ऑफ स्टॉर्म और साइक्लोन. अगर सडन फॉल आ रहा है बैरोमीटर में, मर्करी का लेवल तुरंत गिर रहा है, तो इससे पता चलता है कि या तो साइक्लोन आने वाला या तेज तूफान. अब तीसरा है ग्रेजुअल राइज इन द मरकरी लेवल. अगर राइज हो रहा है मरकरी का लेवल धीरे धीरे, सो इट इंडिकेट्स दैट द मॉइस्चर इज डिक्रीजिंग. इट इंडिकेट्स ड्राई वेदर. मतलब अगर ग्रेजुअल राइज हो रहा है मरकरी का लेवल तो इसका मतलब है एटमोस्फेयर से मॉइस्चर का लेवल गिर रहा है, और मॉइस्चर कम होने का मतलब ड्राई वेदर है. और अगर सडन राइज दिखाई दे बैरोमीटर में तब क्या होगा, तो इसका मतलब है वेरी ड्राई सीजन इज अबाउट टू कम, और जिसे कहते हैं सूखा पड़ने का अंदेशा होता है. नाउ अब रीजन पूछा जाता है, व्हाट टाइप ऑफ लिक्विड इज यूज इन अ बैरोमीटर, दैट इज द मरकरी. व्हाई द मरकरी इज यूज. सो द क्वेश्चन इज दैट गिव टू रीजन फॉर यूज ऑफ मरकरी एज अ बैरोमीटर लिक्विड. तो मरकरी क्यों यूज किया जाता है उसका रीजन देना. तो एडवांटेज कह दीजिए जिसकी वजह से मरकरी यूज की जाती है. तो नंबर वन, द डेंसिटी ऑफ मरकरी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑल लिक्विड.
मरकरी की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है लिक्विड स्टेज में, जितनी भी चीजें पाई जाती हैं लगभग 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसकी डेंसिटी होती है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है द मरकरी नीदर वेट्स नॉर स्टिक टू द ग्लास, ना ही मरकरी ग्लास से चिपकती है और ना ही उसे गीला करती है, देयरफॉर गिव्स द करेक्ट रीडिंग, और शाइनी भी होती है इसलिए साफ साफ रीडिंग हमें नजर आती है। तो दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ मरकरी टू बी यूज्ड इन बैरोमीटर। नाउ इंस्टीट्यूट ऑफ मरकरी इफ समबडी सेज व्हाई डोंट यू यूज वाटर, कि मरकरी की जगह वाटर बैरोमीटर में क्यों नहीं यूज करते हैं, सो उस पर क्वेश्चन है गिव टू रीजन व्हाई वाटर इज नॉट अ सुटेबल बैरोमीटर लिक्विड। सो वाटर इज नॉट अ सुटेबल बैरोमीटर लिक्विड बिकॉज नंबर वन द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज हाई, वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, सो इट्स वेपर इन द वैक्यूम स्पेस विल मेक द रीडिंग इनएक्यूरेट, तो इसकी वेपर इनएक्यूरेट कर देगी रीडिंग को। सेकेंड रीजन है वाटर स्टिक्स विद द ग्लास ट्यूब एंड वेट्स इट, मरकरी नहीं भिगोती है जबकि वाटर ग्लास से चिपक जाती है और उसे गीला कर देती है, दैट इज वाई उसकी रीडिंग भी क्लियर नहीं आएगी। दीज आर द रीजन।